और इधर ईरान ने अफगानिस्तान में राष्ट्रीय मेल मिलाप का आह्वान किया है। ईरान ने अमेरिकियों के अफगानिस्तान से तेजी से वापसी को सैन्य विफलता बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। दुनिया के कई देशों ने इस बाबत चिंता जताई है, लेकिन यकीन मानिए एक देश ऐसा भी है जो तालिबान के राज से बेहद खुश है। ये देश है अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान। अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता पर ईरान का कहना है कि इससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने में मदद मिलेगी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान में अमेरिका की हार पर खुशी जताई है। ईरानी टीवी ने राष्ट्रपति रईसी के हवाले से कहा कि अमेरिकी सेना की हार और अफगानिस्तान से उनका हटना अफगानिस्तान में बेहतर जिंदगी, सुरक्षा और शांति बहाली में मदद करने वाला है। रईसी ने कहा कि ईरान अफगानिस्तान में स्थायित्व चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिकी फौजों की वापसी की घोषणा के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हो गया था। वहीं अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन भी स्थापित हो गया है। इससे पहले अमेरिका ईरान पर इस बात का आरोप लगा चुका है कि वो तालिबान लड़ाकों की मदद करता है। हालांकि ईरान ने हमेशा इस बात से इनकार करते हुए अफगान सरकार को समर्थन देने की बात करता रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय की पैनी नजर है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके लिए स्पेशल सेल बनाया है। भारत लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुटा हुआ है। अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय हाई लेवल मॉनिटरिंग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से लौटने और अन्य मामलों के समन्वय के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने एक नंबर भी जारी किया है जिसके जरिए डिटेल हासिल की जा सकती है। भारतीय वायुसेना का C-17 जहाज काबुल से भारतीयों को लेकर सुरक्षित देश लौट आया है। इसमें दूतावास के कर्मचारी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक और जहाजों को काबुल भेजा जा सकता है जिससे अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार अफगानिस्तान में सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए समय समय पर सलाह जारी करते रहे हैं जिसमें उनकी तत्काल भारत वापसी का आह्वान भी शामिल है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों समेत सभी भारतीयों को निकालने का आग्रह किया है और कहा है कि इसमें पंजाब सरकार हर तरह की मदद करेगी। अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि उनकी सुरक्षित रिहाई हो सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारत।